पोहरी थाना परिसर में आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम राजन बी नारिया, तहसीलदार प्रेम रताप पाल, एसडीओपी एसएस मुमताज, थाना प्रभारी विनोद यादव के साथ मंडल अध्यक्ष आशुतोष जामिनी व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बैठक में एसडीएम नारिया ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में त्यौहार हैं, जिससे लोग सामंजस्य के साथ मनाएं। साथ ही 17 सितंबर को देश के पीएम मोदी का दौरा है, जिसको लेकर पोहरी क्षेत्र से आवागमन रहेगा। इससे पूर्व सभी ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की जाए, अनावश्यक रूप से रोड किनारे ठेले सहित वाहन खड़े ना हो, सड़कें खुली हों, जिससे कोई परेशानी ना हो। इस दौरान नगर परिषद सीएमओ तेजस सिंह यादव के साथ अन्य लोग मौजूद थे। आगामी माननीय प्रधानमंत्री का दौरा होने से पौड़ी क्षेत्र में 3 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक टोल के पास में चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, यानी एक पौड़ी चौराहे पर, दूसरा पौड़ी चौराहे पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, तीसरा बंद चौकी पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, और तीनों पर हम लोग सघन चेकिंग करेंगे। तो अभी त्यौहार आने वाले हैं, आगामी त्यौहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी जाती है, इसके साथ ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री का दौरा भी होने वाला है। सब लोगों ने हमारे पड़ोसियों के लिए उसके संबंध में अवसर चर्चा करनी थी, उसके संबंध में बैठक करनी थी, जो बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण संबंध में।